हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में पीसी या लैपटॉप में जो है आपके पास व्हाट्सएप चैट ठीक से लोड नहीं हो रही है या फिर कोई भी चैट ओपन नहीं हो रही है तो इसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, आपके पास पीसी या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, और आप जो है इंटरनेट की स्पीड को भी चेक कीजिए। अगर आपके पास इंटरनेट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक करना है। विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंटरनेट कनेक्शन। तो सिंपल आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपको इसको क्लोज कर देना है, आप ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो है गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। उसके बाद आप ब्राउज़र ओपन कीजिए, जो भी ब्राउज़र में आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो अभी गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइम रेंज आपको ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इन तीनों बॉक्स में आपको चेक करना है। फिर आप यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट क्रोम इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास क्रोम अप टू डेट होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद आप गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। ओके, आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है, आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है इस तरीके से। फिर आपको रन कमांड ओपन करना है, आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको R प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रन कमांड ओपन हो जाएगा, फिर आप इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्विसेज टैब में आना है और यहाँ पर हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज इस वाले बॉक्स में आपको चेक करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबल ऑल के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक बार पीसी को रिस्टार्ट कर देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इजीली व्हाट्सएप वेब की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप इजीली इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।